हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू भूमिकार किचन। आज मैं बना रही हूँ फेस्टिवल की जान, सबसे सबको पसंद आने वाली, बड़े छोटे सब इसको बहुत पसंद करते हैं, जैसा कि आपको वीडियो देख के भी मालूम चल रहा होगा, काजू कतली। और इसकी साइज मैं आपको दिखा रही हूँ, बिल्कुल परफेक्ट डायमंड शेप में कटी है। और इसका टेक्सचर भी आपको देख के लग रहा ना कितनी पतली कितनी अच्छी, और घर में बन गई है। इसे बनाना बहुत आसान है। इसे मैं सिर्फ दो चीज़ों से बना रही हूँ, काजू का पेस्ट और चीनी से। यहाँ ना बिना चाशनी भी मैंने नहीं बनाया है, बिल्कुल बिना फेल होने वाली रेसिपी है और बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होगी। 15 दिन तक स्टोर भी कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने 250 ग्राम काजू ले लिया है। काजू में डस्ट होते हैं, कभी कीड़े भी होते हैं, सिर्फ इसलिए मैंने प्लेट में लेके चेक कर लिया, काजू मिला बिल्कुल फ्रेश है। अब मैंने इसे एक बाउल में डाला और बाउल में डालकर 2 से 3 बार मैं इसे पानी से धुल लूँगी। अच्छे से इसे रगड़ रगड़ के वॉश करना है ताकि इसमें जो भी डस्ट हो ना वो सब निकल जाए। ताकि इसको धुलना इसलिए भी जरूरत है कि इसका पेस्ट बनाएंगे तो अच्छा बनेगा, और काजू धुल जाएगा, डस्ट निकल जाएगा, तो हमारी काजू कतली में एक शाइनिंग होगी। तो हम धुल से इसलिए हैं कि 2 से 3 बार पानी से अच्छे से हमने इसे धोएंगे। मैं वीडियो में 2 बार धुलते हुए दिखाया, लेकिन मैंने इसे 3 बार धुलकर साफ किया, और देख रहे पानी भी आपको गंदा दिख रहा होगा। तो अब मेरा ये धुलकर तैयार है। इसमें 1 कप पानी मैं फिर से डाल रही हूँ और इसे भिंगोकर मैं 2 से 3 घंटे के लिए छोड़ूंगी। यहाँ मैंने 1/4 कप दूध डाला है। दूध क्यों डाला मैं आगे वीडियो में बताऊँगी। इसे 2 घंटे के लिए, जैसे मैंने कहा कि 3 घंटे के लिए भिंगोकर छोड़ दूँगी, कम से कम 2 से 3 घंटे भिंगोकर जरूर छोड़ें। यहाँ मैंने 1 कप चीनी ली है मिक्सर जार में, इसे पीस कर मैं एक फाइन पाउडर बनाकर तैयार कर लूँगी। तो चीनी पीसकर तैयार है। 3 घंटे हो चुके हैं, हमारा काजू भी फूल कर तैयार है। जब काजू को हम दूध में, थोड़े से दूध में भिगाते हैं ना, तो काजू में एक शाइनिंग आ जाता है, जिससे हमारी जो काजू कतली भी बनकर तैयार होगी वो बिल्कुल शाइनिंग वाली बनेगी और बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। और हमारे काजू से भी फूल कर तैयार है। तो अब जो ये इसमें पानी है ना, एक्स्ट्रा पानी हम पूरा छान देंगे। इस पानी में से थोड़े से पानी का इस्तेमाल हम सिर्फ इसे पीसने में करेंगे, 4 से 6 टेबल स्पून, उससे ज़्यादा नहीं। अगर कम पानी में पीस जाए तो कम में ही पीसना, ये भीगी हुई है तो जल्दी पीस जाएगी, ज़्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं करना होगा। अब मैंने काजू को मिक्सर जार में डाला और इसे मैं पल्स पर रुक रुक कर पीसूँगी। और मैंने यहाँ 3 टेबल स्पून पानी डाला था इसे पीसते समय, और इसे पीस लिया है, लेकिन अभी ये दरदरा है, तो मैं इसमें फिर से 2 टेबल स्पून पानी डालूंगी और इसे पेस्ट कर बारीक पेस्ट तैयार करूंगी। और यहाँ देखिए मेरा काजू पीस कर तैयार है, और इसे बिल्कुल मैंने बारीक पीस लिया है। अब मैं एक पैन या कढ़ाई, जो भी है, मैं उसमें आप जो भी मिलाना चाहें उसमें, मैं इसको ट्रांसफ़र कर रही हूँ कढ़ाई में। सारा पेस्ट मैं अच्छे से निकाल लूँगी, कि काजू इसे वेस्ट नहीं करना, तो सारे पेस्ट को अच्छे से निकाल लें। आप चम्मच से, हाथ से, जैसे निकालना चाहें उसे निकाल लें। और इसके बाद मैं इसमें जो पिसी हुई चीनी है वो डालूंगी। ये चीनी अगर वजन में देखें तो आपको 200 ग्राम होगा, इतना चीनी मैं बचा ले रही हूँ। अब मैं इसे गैस पर रखूँगी, गैस के फ्लेम को बिल्कुल स्लो रखूँगी, और चीनी को साथ मैं काजू के पेस्ट को अच्छे से मिक्स करूँगी। काजू के पेस्ट को छोड़ना नहीं है, बिल्कुल चलाते रखना है, और गैस के फ्लेम को अभी हमें स्लो रखना है जब तक कि चीनी काजू के साथ अच्छे से मिल ना जाए। जैसे ही चीनी काजू के साथ मिलेगी ना, ये पेस्ट बिल्कुल लिक्विड की तरह आपको दिखने लगेगा, पतला हो जाएगा, क्योंकि चीनी मेल्ट होगी, जैसा कि आपको ही पता है। यहाँ हम चाशनी नहीं बना रहे हैं, तो ये हमारी परफेक्ट कंसिस्टेंसी में बनेगी। अब यहाँ आप टेस्ट करके चीनी की मात्रा कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। चाशनी बनाने पे हम कम ज़्यादा नहीं कर पाते हैं, लेकिन यहाँ आप कर सकते हैं। और देखिए ये हमारी पक रही है, और इसे अभी मुझे पकाते हुए सिर्फ 10 मिनट हुए हैं। चीनी अब काजू के साथ अच्छे से उसकी चाशनी जो हमारी अब ड्राई हो रही है, सूख रही है और मिक्स होती जा रही है। और यहाँ मैंने सिर्फ चीनी का पाउडर और काजू का पेस्ट ही डाला था। काजू को ड्राई भी पीस सकते हैं, लेकिन जब उसको ड्राई हम पीसते हैं तो मिक्सर में चिपक के ही रह जाता है पाउडर ज़्यादातर, और ऐसे भिंगा देने से वो अच्छा पीसता है, जैसा कि आपको मेरे वीडियो में दिख रहा है। इसे पकाते हुए मुझे अभी लगभग 20 मिनट हो चुके हैं, लेकिन अभी ये बिल्कुल परफेक्ट नहीं है, तैयार नहीं हुआ है। इसमें देख रहे हैं आप, पैन को छोड़ दे रहा है, लेकिन ये फूल भी रहा है, लेकिन ये अभी और पकेगा। हमें बिल्कुल हलवाई जैसे परफेक्ट कंसिस्टेंसी वाला हमें काजू बनाकर तैयार करना है। तो ये अभी पका है, लेकिन ये और पकेगा, क्योंकि ये भी पैन में चिपक रहा है, लग रहा है। इसमें मैंने ना किसी घी का इस्तेमाल किया है, ना ही कोई दूसरी चीज़ का। आप यहाँ फ्लेवर के लिए चाहें तो इसमें केसर डाल सकते हैं, इलायची कूट कर डाल सकते हैं, गुलाब जल डाल सकते हैं, लेकिन हम काजू कतली बना रहे हैं तो हम चाहते हैं कि सिर्फ काजू का ही फ्लेवर हो, तो मैं यहाँ कुछ नहीं डाल रही हूँ। अब मैं इसका टेस्ट करके दिखवाती हूँ आपको। देखिए जब मैं इसे प्लेट में ली, थोड़ा ठंडा, कि इसके बाद इसको हाथ में ली, तो ये मेरे हाथों में चिपक रहा है, मगर मतलब ये है कि अभी ये तैयार नहीं है, अभी ये और पकेगा। जब ये हमारे हाथों में बिल्कुल ना चिपके, देखिए मैं दोबारा चेक कर रही हूँ, तो भी ये मेरे हाथों में थोड़ा थोड़ा चिपक रहा है, लग रहा है, मतलब ये थोड़ी देर और हम पकाएँगे।
हमको पकाते हुए लगभग 25 मिनट हो चुके हैं इसे बराबर भूनते हुए। और जब चीनी मिल गई थी तो मैंने गैस के फ्लेम को लो टू मीडियम कर दिया था, तो ये आराम से अब गोला बन जाएगा। इसका पहचान है कि जब ये अच्छे से पक जाएगा तो पैन भी अच्छे से छोड़ दे रहा है, आपको दिख रहा होगा। और जब मैं इसके बॉल्स बनाऊंगी ना तो मेरे हाथों में बिल्कुल नहीं चिपकेगा और बॉल्स बहुत अच्छा बनकर तैयार होगा। इस कंसिस्टेंसी में आए तो आप समझ जाइएगा कि हमारा ये काजू का पेस्ट कतली बनने के लिए बिल्कुल तैयार है। और देख रहे हैं ये पैन में एकदम इकट्ठा हो जा रहा है, एक जगह आ रहा है और ये पैन को आसानी से छोड़ रहा है। हमारे वीडियो में आपको दिख रहा है कहीं भी ये चिपक नहीं रहा है, मतलब अब ये हमारा पकाते हुए 30 मिनट हो चुके हैं और ये हमारा पककर तैयार है। मैं फिर से इसको चेक करके दिखाती हूँ आपको। मैंने पेस्ट लिया, थोड़ी देर ठंडा होने दिए 2 मिनट, और इसके बाद मैंने इसको देखो हाथों में अब कर रही हूँ तो मेरे हाथों में ये कहीं नहीं चिपक रहा है, मतलब ये परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। अब हमारा ये बनकर तैयार है। मैंने गैस के फ्लेम को ऑफ किया, कढ़ाई गर्म है तो थोड़ी देर मैं इसको चला रही हूँ, मिक्स कर रही हूँ कढ़ाई में ही। इसके बाद आप बटर पेपर या किसी थाली में ही आप तेल या घी चिकना लगाइए, लगा लें या फिर प्लास्टिक की सीटें लें। मैंने यहाँ बटर पेपर इस्तेमाल किया, उस पर पूरा पेस्ट मैंने इकट्ठा एक साथ ही निकाल लिया, जैसा कि आराम से निकल जा रहा था आपको दिख रहा था। अब मैं इसे आटे की तरह थोड़ा सा इसे गुथूँगी बटर पेपर में। यहाँ अगर आपका ये पेस्ट गीला लगे अगर बटर पेपर गूंथते समय तो आप इसे फिर से थोड़ा पका लीजिए, नहीं तो ये चिपचिपा हो जाएगा और वही दांतों में चिपकेगा। और टाइट हो गया तो ये आपको ना सूख जाएगा 2 दिनों में, तो इसको आप थोड़ा सा पानी, गर्म पानी का छींटा दे दे के गूंथे। ये देख रहे हैं मेरा बिल्कुल परफेक्ट है, हाथ में बिल्कुल आसानी से गोला बन जा रहा था। तो अब हम क्या करेंगे, इसे हाथों से पहले मैंने रोल किया और फिर मैंने बेलन से डायरेक्ट थोड़ा सा चिकना की हूँ बेलन पे, तेल की चिकनाई लगाई हूँ घी की, और इसे बेल रही हूँ और ये कहीं बेलन में चिपक नहीं रहा है। मैंने वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं किया है, आपको दिख रहा होगा कि मैं बेलन से इसको बेल रही हूँ और किसी भी सीट का, किसी भी दूसरी चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया है, और ये आराम से बिल रहा, आराम से फैल रहा है। अब इसकी मोटाई आप जैसा रखना चाहते हैं, जितना मोटा पतला वैसा आप अपने अनुसार बना सकते हैं। मैं थोड़ा पतला पसंद करूँगी इसलिए मैं इसे चारों तरफ से बेलकर फैला रही हूँ। और ये देखिए मैंने अपने सीट पे इसे चारों तरफ से फैला लिया। अब मैं इसे ना 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दूँगी ताकि ये सूखे, और जब तक ये सूख रहा है तब तक मैं इस पर चांदी का वर्क लगा दूँगी जिससे इसका लुक एकदम मार्केट वाले काजू कतली जैसा लगेगा। और 20 मिनट मैं इसलिए छोड़ने के रही हूँ कि अभी अगर कट लगाऊंगी ना तो ये ड्राई रहे, सूखेगा नहीं तो चिपक कर कटने टूटने लगेंगे। और ये 15 मिनट सूख चुके हैं तो देखिए अब मैं इस पर कट लगा रही हूँ। मेरा सेब बिल्कुल परफेक्ट नहीं बनता है, मैं जितनी बार बनाती हूँ, लेकिन टेस्ट बिल्कुल परफेक्ट बनता है, टेस्ट में कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। सेब इधर उधर हो सकता है शायद, तो मैं इसे थोड़ा सा स्केल से किया लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा नहीं आया, तो मैंने फिर से अपने हिसाब से इसका कट कर रही हूँ। और देखिए हमारी काजू कतली कितनी आराम से कट रही है, लेकिन हाँ, इसे काटने के लिए तेज धार वाली चाकू का इस्तेमाल करें। जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा होगा मैं कट कर रही हूँ और ये बहुत आसानी से कट भी हो रहा है। तो अब मैं इसे 10 मिनट और सूखने के लिए छोड़ दूंगी कट लगाने के बाद, ताकि जब मैं इसे निकालूं तो ये अच्छे से अनफोल्ड हो जाए। और 20 मिनट मैंने सूखते हुए छोड़ दिया, मेरी बेटी को ये बर्फ़ी बहुत पसंद है तो किनारे किनारे से चख लिया है थोड़ा सा। और ये देखिए हमारी बर्फ़ी बहुत आसानी से निकल कर आ रही है, काजू कतली, ये काजू कतली बहुत आसानी से हर एक पीस निकल के आ रही है। इसके किनारे भी मैं आपको दिखा रही हूँ कितने परफेक्ट बिल्कुल हलवाई जैसे बनकर तैयार हुए हैं ना, और ये कितने पतले भी बने हैं, ये मोटे भी नहीं हैं। आप अपने टेस्ट के अनुसार इसे मोटा पतला रख सकती हैं। और ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट शेप में भी है 2-4, और दूसरे प्लेट में जो दिख रहा है वो साइड से किनारे जो निकलते हैं वो हैं ये डायमंड कट करने में, ऐसे थोड़े से वेस्ट किनारे निकलते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आएगा, किनारे हैं लेकिन टेस्ट वैसा ही अच्छा आता है। तो हमारी ये काजू कतली बनकर तैयार है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। आप इस काजू कतली को 15 से 20 दिन तक आराम से स्टोर कर सकते हैं, इसे बाहर रखें कहीं रखें, ये बिल्कुल ड्राई और बिल्कुल सूखी सूखी सी नहीं लगेगी। मार्केट वाली से सूख जाती है ना, उन्हें मिलावट होता है इसलिए वो सूख जाती है और ड्राई ड्राई हो जाती है, और ये बिल्कुल चिपचिपी भी नहीं लगेंगी, ये बिल्कुल परफेक्ट है। मैं इसको तोड़ के दिखा रही हूँ, देखिए कितनी मुलायम सॉफ्ट बनी हुई है।